एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मेरी बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी, जिसका नाम है गाजर का हलवा। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें शेयर करने वाली क्या चीज है? तो उसमें शेयर करने वाली ये चीज है कि मैंने जो गाजर का हलवा बनाया है उसमें गाजर को कद्दूकस नहीं किया है और ना ही मुझे एक घंटा लगा है बनाने में। मुझे लगे हैं सिर्फ 12 से 13 मिनट और गाजर बिल्कुल आराम से क्या बोलते हैं, एकदम वैसी फॉर्म में आ गई जो कि मुझे हलवे के लिए चाहिए थी। वो कैसे आ गई वो आप इस रेसिपी में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है कि कैसा लगा आपको। अपने सजेशन आप दे सकते हैं ताकि मेरी रेसिपी नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा बेटर हो। और अगर आपको अच्छी लगती है, आप बनाते हैं, तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अगर मैं ज्यादा बातें करती रहूंगी तो आप कैसे देखेंगे मैंने उस गाजर का हलवे को कैसे बनाया है। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ जहाँ पे मैंने गाजर का हलवा बनाया है। वो वीडियो आज ही का शूट किया हुआ है, सुबह का है, तो मेरे मैसी लुक को मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ, तो बेयर विद इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन चलिए। हाय, तो मैंने यहाँ पे ले ली है ये गाजर, लाल लाल गाजर जिससे मैं बनाने वाली हूँ हलवा। इसे सबसे पहले मैं छील लूंगी। आप इसे अच्छे से छील लीजिए, धो लीजिए, उसके बाद छील लीजिए। जैसे ही आप इसे छील लेंगे उसके बाद आपको कद्दूकस करना है। जी नहीं, यही तो खास बात है इस रेसिपी की कि हमें गाजर को छीलने के बाद कद्दूकस नहीं करना है, जैसे कि हम गाजर के हलवे को बनाने के लिए करते हैं। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गाजर को छीलना है और उसके बाद टुकड़ों में काट लेना है, जैसे कि हम नॉर्मली सब्जी के लिए भी काटते होंगे जब आलू गाजर मटर बनाते होंगे। तो वैसे ही मैंने भी इसे देखिए किस लिया है और मैं इसे काट रही हूँ। अब मैं इसे छोटे छोटे या बड़े बड़े टुकड़ों में कैसे भी काट सकती हूँ, क्योंकि इसे बाद में हमने मैश ही करना है। तो और इसे मैंने काटने के बाद धो लिया है अच्छे से दोबारा से, और आप भी इसे अच्छे से काट लीजिए और उसके बाद धो लीजिए। उसके बाद आपको कुकर लेना है। मेरे कुकर के लिए प्लीज़ हंसिएगा मत, क्योंकि मेरा जो छोटा कुकर है उसका रबर ख़राब हो गया आज ही, तो मैंने बड़े कुकर का यूज़ किया है जो कि इतना सा हलवा बनाने के लिए काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें मैंने घी डाल लिया है और 2 इलायची डाली है। आप अपने हलवे की क्वांटिटी के हिसाब से इलायची बढ़ा भी सकते हैं। और इसमें मैंने अपनी गाजर जो मैंने धो के रखी थी वो डाल दी है। थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लीजिए चाहें तो, अदरवाइज़ पानी डाल दीजिए डायरेक्टली। इसमें मैंने आधा ग्लास पानी डाला है क्योंकि गाजर कम है, आप अपनी गाजर की क्वांटिटी के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रखा है और 2 सीटी दिया है कुकर को। उसके बाद देखिए गाजर एकदम मैश होने के लिए रेडी है, एकदम अपने आप ही गल गई है। मेरे को हल्का सा ही प्रेशर करना पड़ा और ये एकदम देखिए कैसे हलवे के लिए बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल कद्दूकस नहीं करना पड़ा और एकदम अच्छी सी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, ऐसे लग रहा है कद्दूकस ही करा हुआ है। और बड़े आराम से 2 सीटी में बन गया। 2 सीटी जब तक लग रही थी तब तक आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। कद्दूकस करने में आपको फोकस करना पड़ता है, उस टाइम पे आपको गाजर को अच्छे से ग्रेट करना पड़ता है और काफ़ी मेहनत भी होती है, आई नो। देखिए अब इसमें मैंने दूध डाल दिया है पकाने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरी पक चुकी है। अब दूध ज़्यादा डाल के पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही देर आपको इसे दूध को सूखने देना है। तो दूध भी अकॉर्डिंगली आप डालिएगा। मैंने इसमें सिर्फ 1.25 ग्लास डाला है, मतलब 75%, ये होगा 200 ml। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा जितना भी गाजर आप ले रहे हैं। उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट में बादाम और काजू डाला है। यहाँ पे मैं खोए का यूज़ करूँगी गार्निश के लिए। आप चाहें तो सिर्फ मेवे का भी यूज़ कर सकते हैं, या कुछ और डालना चाहते हैं, नारियल या कुछ और यूज़ करना चाहते हैं गार्निश के लिए तो कर सकते हैं। यहाँ मैंने खोए को कद्दूकस करा है, इसी से मैं गाजर के हलवे को गार्निश करने वाली हूँ, जो कि बन के रेडी हो चुका है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, आपने देखा ही है, सिर्फ कुकर में 2 सीटी लगाई है और थोड़ा सा दूध में पकाया है चीनी डालकर। और उसके बाद देखिए कैसा स्वादिष्ट हलवा तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा और बिना मेहनत के हलवा बनाइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।